इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप अपने मोबाइल नंबर की मदद से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि ईपिक नंबर क्या होता है, आप अपने मोबाइल की मदद से या कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से कैसे ईपिक नंबर निकाल सकते हैं और अपना मतदान कार्ड वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके आप किसी भी चुनाव में उसका आसानी से यूज कर सकते हैं और मतदान दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि आप वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप NVSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन रजिस्टर करना होगा। अगर आपको ईपिक डाउनलोड करना है या नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्टर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना ईपिक नंबर देंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहां पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि NVSP पे यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़र नेम फिल करेंगे। यूज़र नेम में आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, इसके बाद पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपके पास आपका ईपिक नंबर मिला हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सर्च करना है। कैसे करेंगे वो हम सब कुछ इस वीडियो में आपको बता देंगे। इसके लिए आपको सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने जिस किसी का भी मतदान कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनाया हुआ है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद उसकी एज आप चाहें तो यहाँ एज से भी डाल सकते हैं, आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो, अदरवाइज आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से भी आप यहां पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यहां पे डिस्ट्रिक्ट, और यहां पे आप जो भी विधानसभा क्षेत्र है यानी असेंबली है वहां पे आप अपने असेंबली का नाम यहां पे इंटर करेंगे। इसके बाद यहां पे फादर नेम सर्च करेंगे और यहां पे मेल फीमेल जो भी है आप सर्च करेंगे। इसके बाद यहां पे कोड इंटर करेंगे, कैप्चा कोड। इसके बाद यहां पे सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हम विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम फादर नेम इंटर कर लेंगे। मेल सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं परिणाम, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक फाइंड कर लिया गया है जिसमें ईपिक नंबर दे दिया गया है और कैंडिडेट की डिटेल और उसके पोलिंग स्टेशन यानी कि जहाँ वोट दिया जाता है वहाँ पे उसका नाम दिया है, असेंबली का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। तो यहाँ से आपको ईपिक नंबर कॉपी कर लेना है। चलिए हम यहाँ इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद फिर से हम NVSP की साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ईपिक डाउनलोड जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ईपिक नंबर इंटर करेंगे और यहाँ से स्टेट चूज करेंगे और हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा जिसपे कैंडिडेट का नाम दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड करेंगे। OTP सेंड करेंगे, OTP सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। यहाँ पे हम OTP इंटर करेंगे, इसके बाद OTP वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद फिर हम कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे और डाउनलोड ईपिक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे।
डाउनलोड ईपिक पे क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा मतदान कार्ड वोटर कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ईपिक यानी कि आपका निर्वाचन कार्ड मतदान कार्ड जो भी है ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके या प्रिंट करना चाहें तो आप इसे प्रिंट करके आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसे अब सेव कर लेते हैं। इस तरह से आपने जाना कि आप किस तरह से अपना मोबाइल नंबर का यूज़ करके और ईपिक को डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे आप अपने वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।